हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इसके बेनिफिट्स। ये इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर, जो क्या इंटरनेशनल बिजनेस के जो रोल है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें कुछ उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा था, कुछ डाउट्स थे, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ ताकि उनके डाउट्स क्लियर हों और उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ अगेन मुझको कन्वे कर दीजिए ताकि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर है इंटरनेशनल ट्रेड में रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, पहला रोल क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर का आपने क्या कर दिया, डिवीज़न हो गया है। अब जैसे सपोज अलग अलग कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो इस हिसाब से लेबर का भी क्या है, डिवीज़न है। हमें पता है कौन सी कंट्री कहाँ पे कितनी स्किल्ड लेबर है और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो, उसके हिसाब से हम प्रॉपरली सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जापान की बात करें तो वहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, मतलब कि है ही वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम एग्जांपल बाय कोट कर सकते हैं कि क्या है, डिवीज़न हो गया है हर प्रोडक्ट का। अब हम बात करें प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में भी स्पेशल काइंड्स के हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ इनोवेशन हमने अपने प्रोडक्ट में किया तो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो वो लेबर हमें कहाँ से हम मंगवा सकते हैं, किस तरीके से हम सारी चीज़ों को प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मेन रोल की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हो गया हर कंट्री का अपने आप के गुड्स में। ठीक है, कंट्री है, कंट्री की अपनी गुड्स एंड सर्विसेज है और उनका अपने आप में क्या है, एक स्पेशलाइजेशन बना हुआ है। जैसे मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया में हम बात करते हैं राइस प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जापान, टेक्नोलॉजी, स्टील, इस तरीके से क्या है, वो हर कंट्री अपने आप में किसी न किसी गुड में स्पेशलाइज है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस ने स्पेशलाइजेशन कर दिया है और उसके वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पहली चीज़ क्या है, ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच यू हैव अवेलेबल। जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर के यू आर इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी को बढ़ाते हो तो जब आप प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ऑप्टिमम एलोकेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का, जो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक मेन रोल है इंटरनेशनल बिजनेस का, ताकि हम हर एक फैक्टर्स को प्रॉपर कंसीडर करते हुए उसको इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व करें और अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए टाइम पे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट है रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस का जो मेन रोल है वो क्या है, रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, जो कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इससे क्या है, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और कंज्यूमर का जो नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं उसको वो यूज करता जा रहा है। एक तो उसकी नॉलेज बढ़ रही है, उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और इस तरीके से उसका लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। उसके बाद मैं बात करता हूँ जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच इज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री ड्यू टू द इंटरनेशनल बिजनेस। जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं कोई फर्म चला रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड किया, डाइवर्सिफिकेशन किए, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है, फिर जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे बायर बढ़ रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। तो अभी मैं एक यूनिट ओपन में अपने सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ,
जब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगेंगे तो मैं अपनी दूसरी यूनिट ओपन कर लूँगा। जब मैं अपनी दूसरी यूनिट ओपन करूँगा तो मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरीके से बहुत सारे वेंडर, बहुत सारे सप्लायर, तो एक तरीके से क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बढ़ जाएंगी। जो लोगों को हम हायर करेंगे और वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को तो सेट कर ही सकते हैं, इस तरीके से आगे वो बढ़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। इक्वालिटी ऑफ प्राइस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ प्राइस, जैसे कि सपोज कंपटीशन की बात करते हैं, प्रॉपर कंपटीशन रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेन ट्रेड बेस्ड मार्केट में, तो जो इक्वालिटी है प्राइस में वो क्या है, मेन फैक्टर है। अगर आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो आप अपनी आप से एकदम से प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, उसी हिसाब से प्राइस को सेट करोगे जो मार्केट में चल रहा है। एंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स, जी हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटेटिव गुड्स यू हैव टू प्रोवाइड टू योर कस्टमर, योर बायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट, यू हैव टू रन योर फैक्ट्री एंड यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रमोट करती हैं क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से, यानी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है, प्रॉपर हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, इनकम हमारे बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर किसी भी कंट्री को इकोनॉमी को इंक्रीज करने में और डेवलप करने में बेनिफिशियल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम कंट्री की बात करें, ठीक है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, क्वालिटी आप बढ़ा रहे हो प्रोडक्ट्स की। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, जी है, वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज बेनिफिशियल। वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट से कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जहाँ अपने टेस्ट के हिसाब से गुड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, चॉइस कर सकता हूँ। उसके बाद में बात करूँ मोर एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक बेनिफिट है हमारे लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करोगे, जिससे क्या है, लोगों को जॉब मिलेगी और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। प्रमोट एफिशिएंसी आपकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, चाहे हम प्रोडक्शन की एफिशिएंसी की बात करें, चाहे हम अदर किसी टास्क की एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है। तो वो हमने बात करी आज के इस वीडियो लेक्चर में, इंटरनेशनल ट्रेड में, जहाँ था द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि उन्हीं पे ही मैं वीडियो लेक्चर को कवर करता हुआ आगे बढ़ूं, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।